के नाम से डाक टिकट के मामले में डाक टिकट जारी करने वाला बाबू अब निलंबित कर दिया गया है। पोस्टमास्टर जनरल ने बाबू को निलंबित किया है। रिपोर्ट के बाद और लोगों पर भी गाज गिर सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे कानपुर से, जहां पर किस तरह से योजना के तहत बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। माफियाओं के नाम से स्टाम्प टिकट जारी हो गया था, जिसके बाद अब यहां पर जब भारत समाचार ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो अब कार्रवाई होती हुई भी नजर आ रही है। कानपुर से हम आपको एक और बता रहे हैं, तो जिस तरह से यहां पर योजना में बड़ी लापरवाही सामने आई थी, उसके बाद जब भारत समाचार ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो अब कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, जिस तरह से लापरवाही की गई थी, माफियाओं के नाम से स्टाम्प जारी कर दिए गए थे, अब यहां पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, पूरा मामला बहुत ही संगीन है और इस मामले को पोस्टमास्टर जनरल जो सुबह तक ये कह रहे थे कि इसमें किसी की लापरवाही नहीं है, ये रूटीन वर्क है, कोई भी किसी का भी डाक टिकट जारी हो सकता है, वो अब खुद पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिस पूरे मामले में जो बाबू है रजनीश, जिसने डाक टिकट जारी किए थे पूरी बिना जांच के, उसको निलंबित कर दिया और साथ पूरे मामले की जांच अपने साहब को सौंप दिए, जो कि जैसी जांच रिपोर्ट आएगी जिन लोगों ने दस्तखत किए, जिन लोगों ने पूरे मामले की जांच नहीं की और जो टिकट डाक टिकट जारी करने में उनसे भी खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं। अवनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो कानपुर से हम आपको ये खबर बता रहे थे। तो कानपुर में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरह से माफिया और गुंडों के नाम से स्टाम्प टिकट जारी कर दिए गए थे, उसके बाद अब यहां पर जब मामला संज्ञान में पहुंचा है आला अधिकारियों के, तो कार्रवाई भी होती हुई नजर आ रही है।